वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है। आज हम जाएंगे कनाडा में कुछ इटालियन फूड ट्राई करने के लिए। इस रेस्टोरेंट का नाम है कैनेलेस। इटालियन फूड में भी बहुत वैरायटी होती है, अलग अलग तरह के पास्ताज होते हैं, लज़ानिया होते हैं और रिजॉर्टोज होते हैं। हाय गाइस, मैं हूं आपकी फूडी क्वीन। तो अब मेरे चैनल का नाम हो गया है फूडी क्वीन। तो उसको ये ना आप सोचे किसकी वीडियो, वो मैं ही हूँ आपकी फूडी मम्मी, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने बोला था कि फूडी मम्मी की जगह कुछ और नाम रखिए, तो मैंने फूडी क्वीन रख लिया। और मैं एक बात आपसे और भी शेयर करना चाहती हूँ, मैं जब से कैनेडा में आई हूँ बहुत ज़्यादा वीडियोज़ पोस्ट नहीं कर पाई। आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरी डॉटर का पेपर था तो मैं उसमें बिजी थी। देन माई मॉम हु इज़ 85 ईयर्स ओल्ड, शी हैड ए फॉल और उनकी टांग की दोनों हड्डी बिल्कुल टूट गई हैं। तो मैं उनकी मतलब उनकी देखभाल कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे। लेकिन आज मैं आपको लेके आई हूँ, यहाँ एक बहुत ही बढ़िया इटालियन रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर, जहाँ पे प्योर इटालियन फूड मिलता है। जैसे आपने शायद, मुझे ध्यान नहीं आ रहा दिल्ली में ऐसा कहाँ है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के रिजानियाज, रिजोटोज, पास्ताज, पार्मेजान, बहुत कुछ यहाँ पर मिलता है वैरायटी। और हम क्योंकि मैं और मेरी डॉटर हैं तो बहुत आइटम्स नहीं ट्राई करेंगे, हम दो आइटम्स ट्राई करेंगे, एक ड्रिंक ट्राई करेंगे और मैं इनका डिज़र्ट भी ट्राई करूँगी। और मैं आपको दिखाऊँगी कि ये है कैनेलिस, जहाँ आया है कैनेलिस। तो यहाँ पे हम इनका खाना ट्राई करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। देखिए इस वीडियो को और देखिए, जानिए कि कनाडा के लोग जो है वो इंडियन फूड के अलावा और कौन कौन से ऑथेंटिक रीजनल फूड जो है यहाँ पर, कौन कौन से देश के खाने यहाँ पर मिलते हैं। तो हम ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ जो हमें यहाँ दिया है इन्होंने। ये इन्होंने दी है, ये ब्रेड है, इसके साथ ये मेयोनीज है शायद, ये चिली फ्लेक्स दिए हैं इसके साथ। ये इटालियन फूड के साथ हमेशा ऑलिव ऑयल ज़रूर दिया जाता है, तो इसके अंदर ये इन्होंने कुछ सीजन्ड ऑलिव ऑयल दिया है। और ये है मिर्ची वाला ऑलिव ऑयल, चिल्ली ऑयल, जैसे हमारे यहाँ पर अचार, चटनी, सलाद, पापड़ आ जाता है, तो इटालियन में ये चीज़ें जो हैं ये सर्व करी जाती हैं खाने से पहले। तो चलिए खाना शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं ये ब्रेड, क्योंकि जैसे क्या होता है हम जब टेबल पे बैठे होते हैं ना, तो अगर सलाद या पापड़ आ जाते हैं या अचार आ जाता है तो हम खाने की वेट में वो सब कुछ खा जाते हैं, तो यहाँ पे मुझे रहा नहीं जा रहा। और ये मैं लगाऊंगी इसके ऊपर, ये जो इन्होंने ऑलिव ऑयल लगाया हुआ है इसके अंदर, इसको लगा के ये देखिए, तो ऑलिव ऑयल ये सॉल्टी वाला है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ी चिली फ्लेक्स भी डालते हैं ताकि इसका मज़ा और भी बढ़िया हो जाए। ये डाले थोड़े चिली फ्लेक्स, एक बाइट ट्राई करती हूँ। ये बहुत ही प्योर ऑलिव ऑयल और ब्रेड देखिए ज़रा कितनी सॉफ्ट है एकदम से। और इसको लेके ब्रेड को आप इसके अंदर डीप कीजिए ऐसे, और इसको ऑलिव ऑयल के साथ खाइए, बहुत स्वाद लग रही है। इतना सिंपल चीज़ें देखिए, ब्रेड है, ऑलिव ऑयल है और थोड़ी सी चिली है उसके अंदर, बहुत स्वाद लग रहा है। अभी बाकी ऑर्डर की वेट करते हैं। तो ये आ गया है हमारा चिकन पार्मेजाना, देखिए क्या इसके अंदर, ये पास्ता है कुछ सॉस के साथ और ये एक चिकन का स्लाइस है पूरा, जिसको इन्होंने अच्छी से ब्रेड लगा के ग्रिल किया हुआ है और उसके ऊपर खूब सारा चीज़ डाला हुआ है। वाओ, बहुत सुंदर लग रहा है ये। और ये आ गया हमारा रिजॉर्टो, रिजॉर्टो बोलो तो बिल्कुल अपनी खिचड़ी जैसा लगता है। और ये रिजॉर्टो के राइस बड़े मोटे होते हैं, और जब जो इसको बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पकाते जाते हैं, और जब इसे पकाते हैं तो धीरे धीरे जो राइस होते हैं वो गलते जाते हैं, और इसके अंदर फिर कुछ भी सब्जी जैसे मशरूम डालो या वो डालो, आपका चिकन डालो, फिश डालो, कुछ भी डाल के बनाएं। हमने मंगाया है मशरूम रिजॉर्टो। और ये दिया है इन्होंने ब्लैक पेपर डालने के लिए, और ये देखिए कितना मज़ेदार, ये है चीज़ को ग्रेट करने के लिए। जब मैं इसको ऐसे करूँगी घुमा के दबा के तो चीज़ ग्रेट होगा, तो पहले मैं डालती हूँ थोड़ी ब्लैक पेपर इसके ऊपर।
आप चाहो तो ये रेड पेपर भी डाल सकते हो, इधर भी ब्लैक पेपर। और ये अब मैं इसके ऊपर थोड़ा चीज़ ग्रेट करूँगी। देखिए कितना बढ़िया नरम से चीज़ ग्रेट हो गया है इसके ऊपर। इसको रखते हैं साइड पे और मैं सबसे पहले ट्राई करूँगी ये रिजोटो। रिजोटो मैं खुद भी घर में बनाती हूँ। देखिए ज़रा, चीज़ है, राइस है और दम से इसके अंदर क्रीमी मशरूम्स हैं। तो हम बाइट लेते हैं एक रिजोटो का और ये लेते हैं साथ में मशरूम। देख सो बहुत हॉट है और ये मशरूम का स्लाइस मैं लूँगी साथ में। ये देखिए एकदम से क्रीमी राइस है इसके, क्योंकि जब इसको पकाते हैं रिजोटो को तो इसके साथ साथ इसमें चीज़ भी ऐड होता जाता है, इसलिए इस तरह से क्रीमी और मशी बनता है। तो लेते हैं इसका एक बाइट, देखूँ गर्म तो नहीं, मुँह ही जल जाए। ठीक है, ना टेस्टी है, स्पाइसी है, क्योंकि हमने कहा था कि स्पाइसी बनाना। मशरूम का इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा है चीज़ के साथ मिलके, राइस बिल्कुल ऐसे जैसे मक्खन जैसे मुंह में घुल रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही टेस्टी है। इटालियन फूड भी बहुत स्वाद होता है, चाहो तो स्पाइसी भी कर सकते हो। तो रिजोटो मैंने टेस्ट कर लिया, मैं ये डिश टेस्ट करने वाली हूँ। तो इसके अंदर जैसे आप देख रहे हो ये सॉस है और इसके नीचे ये पास्ता है, बहुत गर्म है, और ये एक चिकन का पीस है जो जिसके ऊपर इन्होंने चीज़ डाला हुआ है और इसको इन्होंने इस तरह से ब्रेडेड करके इसको सेका हुआ है। ये थोड़ा सा लेती हूँ, थोड़ा सा सॉस वाला पास्ता। आपको पता है पास्ता अगर खाना हो या नूडल खाने हो तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, इसको रोल करते जाए ऐसे इस तरह से और ये आ जाएगा आपके पास। तो ये आ गया मेरा। तो सबसे पहले ये चिकन टेस्ट करते हैं। चिकन का जो पीस है बहुत बढ़िया से अंदर तक देखिए पका हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट कुक चिकन है, वाइट है, इसका मतलब ये पूरा अच्छे से पका हुआ है चिकन और अच्छे से कोट किया हुआ है इसको। पहले मैं खाली चिकन खा के देखती हूँ। वेरी गुड, चिकन बहुत मॉइस्ट है, ऊपर बड़ी क्रंची सी लेयर लगी हुई है और जो फ्लेवर है पूरे पास्ता वाले और चीज़ का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। ये थोड़ा टमाटो साइड पे है जैसे ये वाइट था, और ये थोड़े से नूडल्स ट्राई करते हैं। ये ट्राई करते हैं, नॉर्मल नूडल्स जैसे लग रहे हैं, जैसे अरेबिका सॉस होती है टमाटो वाली, इसमें कोई खास नहीं है ऐसे, बट नूडल में बाइट है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाए हुए तो दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन चिकन इज़ ऑसम, अमेजिंग, बट दोनों डिश के कंपैरेटिवली मुझे रिजोटो कहीं ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और ये जो ब्रेड हमने खाई थी विद दिस ऑयल, एज यू कैन सी हमने सब फिनिश कर दिया। ये मैंने पूछा उनसे ये क्या डाला है, ये उन्होंने ऑलिव्स क्रश करके डाले हुए हैं। दिस इज ऑसम। सो नाउ आई एम गोइंग टू एंजॉय माय फूड, और आपको भी अगर चांस मिले तो ये इटालियन डिशेज ज़रूर ट्राई कीजिए। आई एम श्योर दिल्ली में भी कहीं मिलती हूँ, मैं ढूंढूंगी और आपको बताऊँगी। थैंक यू सो मच। तो ये हमने ऑर्डर की है अब स्वीट डिश, इसके साथ ये तो आई थिंक ये तो व्हिप्ड क्रीम है, ये आइसक्रीम है, और ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए ये है एक टार्ट, ठीक है, और इसके अंदर ये जो डले हुए हैं ना इसको बोलते हैं पीकन,
पीकन क्या होता है, ये काजू सॉरी अखरोट के जैसे होते हैं पीकन, ये थोड़े लंबे होते हैं लेकिन ये अखरोट के जैसे होते हैं इस तरह से, ये देखिए। तो ये पीकन टार्ट हमने ऑर्डर किया है और अब मैं इसको खाने वाली हूँ। मैं आपको ब्रेक करके दिखाना चाहती हूँ, देखिए ज़रा सॉफ्टली ये टूट रहा है, बिल्कुल एकदम से सॉफ्टली। बाइट लिया पीकन के साथ और इसको मैं लगाऊंगी थोड़ी सी आइसक्रीम और मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम। ये मैं खाने वाली हूँ। So good. The tart is so melt in the mouth. Chicken बिल्कुल crunchy. ये जो इसके अंदर इन्होंने सॉस डाली है ना, जिसके अंदर इसको चिकन को पकाए, बहुत ही मज़ेदार है। आइसक्रीम भी बहुत स्वाद है एकदम से, इसका जो मीठा भी बहुत ज़्यादा नहीं है। फ्लेवर इसमें पूरी पीकन की आ रही है और एप्पल सॉस डाली है इसके अंदर साथ में इन्होंने, और नट्स वाली आइसक्रीम। सो आई रियली थॉरली एंजॉयड द मील हियर। The risotto was perfect. The noodles were good. The pasta was amazing. And this is absolutely a relish. और जो शुरू में ब्रेड दी थी ऑलिव ऑयल के साथ, वो तो कमाल की थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आपको ऐसी और भी बहुत सी जगह दिखाऊंगी जो कैनेडा में नॉन इंडियन फूड मिलता है।